वेलकम टू कम्युनिटी राउंड अप। मैं हूं हलीमा सादिया। इस वक्त हम मेमन सुपरमार्केट में मौजूद हैं, जहां पे एक इंतहाई खूबसूरत कवाली नाइट रखी गई है। अभी हम आपको ऑडियंस के पास लेके जाते हैं और देखते हैं कि कोविड के बाद सूरत हाल बदलने पे उनको कैसा महसूस हो रहा है। ये पूरा शो विदाउट एनी टिकट यानी कि फ्री है, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन आपको करनी थी आपने कंप्यूटर के थ्रू और बुक करानी थी अपनी टिकट यहाँ पे, और फिर आपको इनरोल किया जाता है। आइए चलते हैं, चल के देखते हैं वो ख्वातीन हजरात जो इसमें शामिल हैं क्या कहते हैं। जी, आप सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइए हमारे नाजरीन के साथ। जी, माय नेम इज़ मारिया गिलानी। आपको कवाली नाइट अटेंड करते हुए आफ्टर कोविड कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स बिन एक्चुअली वेरी लॉन्ग, तो अब इतने लोगों को इधर देख के एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी वंडरफुल। आई रियली लाइक इट हियर। और आप अब हमारे टीवी के लिए कुछ कहना पसंद करेंगी? जी, टैग टीवी को आप ज़रूर देखें। सारी कैनेडियन जितने भी यहाँ पे कल्चरल पाकिस्तानी चीज़ें इवेंट्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर करते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट टीवी चैनल। जी अली, मैं ये समझती हूँ कि ये मेमन फैमिली के लिए एक स्टार है कि उन्होंने यहाँ के कल्चर के अंदर साउथ एशियन रवायत को कायम किया। आपको कैसा लग रहा है आज ये सब कुछ देख कर और एक नया पौधा लगाते हुए? ये जी बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग है। बेसिकली मेमन स्टोर एक ख्वाब था, सोचा हमने, मेमन स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया। उसके बाद जाहिर सी बात है ये जो कवाली है ये एक हमारे साउथ एशियन पार्ट का एक कल्चर है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हैं। अब देखते हैं इंशाल्लाह प्रोग्राम कैसा होता है। और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएट है हमारी धर्म कम्युनिटी के लिए भी कि ये हमने यहाँ पे आज सेटअप करा है। आपको मुश्किलात भी हुई होंगी लेकिन अप्रिसिएशन भी है, तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर इंशाल्लाह कहाँ तक चलना है? इंशाल्लाह देखिए, इट्स जस्ट अ बिगनिंग एंड क्वाइट फ्रेंकली वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। देखते हैं, ये पहला एक है हमारा, अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या इनिशिएट होता है, मगर इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह हम कम्युनिटी के लिए करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एक और बहुत बड़े बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन की यहाँ पे कैनेडियन कल्चर में, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। पहले सबसे अपना तारुफ कराइए हमें। मेरा नाम आफाफ अजहर है। आज की कवाली नाइट के बारे में आपकी क्या राय है, आपको कैसा लग रहा है कोविड के बाद मेमन सुपरमार्केट में ये हंगामा खेज प्रोग्राम? दैट्स फैंटास्टिक। मैं फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल है 2 साल बाद घर से निकली हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से हवा का झोंका ऑक्सीजन मिल गया जैसे आगे। तो ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं धर्म में रहती हूँ और ये सबसे यहाँ पे हमें बहुत ज़रूरत है इसकी। आप लोग तो वैसे करते वैसे दूसरी साइड पे है ना सारे, तो वहाँ सब जाते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए निकल के जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप मेमन सुपरमार्केट में आने का इरादा रखती हैं? आने का, मैं यहाँ पे तकरीबन ग्रोसरी करने वाला, तो यहीं पर आते हैं, ज़ाहिर है 15-20 मिनट की ड्राइव है ग्रॉसरीज के लिए। बहुत शुक्रिया जी। आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? मैं ओशोवा से आई हूँ। आपका इरादा है मेमन सुपरमार्केट में अपनी कुछ देसी ग्रॉसरीज करने का फ्यूचर में? जी ज़रूर। मैं पहले जब इसकी ओपनिंग हुई थी उस वक्त भी मैं आई थी, तो इट वाज सो फन। तो आप क्या महसूस करती हैं कि कोविड के बाद कवाली की हंगामा खेज नाइट, कवाली नाइट्स आर इन फैशन, लेकिन मेमन सुपरमार्केट ने पहले ओपनिंग के बाद एक और धमाका खेज प्रोग्राम यहाँ किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अपनी कम्युनिटी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने ये देखी है और अपने महसूस हुए हैं कि अपने लोगों में आना, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड। मैं पहले भी, मतलब कि हम ओशोवा में रहते हैं, वाइट पीपल ऑल अराउंड एंड नॉट अवर कम्युनिटी, और ये ऐसे अच्छा लग रहा है कि अपने सारे, बहुत खुशी हुई, इंजॉय कर रही हूँ कि अच्छा लग रहा है कि सारे अपने मिलने वाले और अपनी सेम लैंग्वेज एंड कल्चर एंड एवरीथिंग। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम है उज़्मा सिद्दीकी और मैं टोरंटो में रहती हूँ। जी, तो मेमन सुपरमार्केट ने एक धमाका खेज ओपनिंग यहाँ की देसी कल्चर के लिए, और फिर हमारे फूड के साथ साथ आज की कवाली नाइट, आपकी क्या राय है?
आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मैं कव्वाली सुनने की बहुत शौकीन हूँ. पाकिस्तान में जब से रहती थी कव्वालियाँ सुनती आई हूँ और मेमन सुपर मार्केट में बहुत अच्छा इन्होंने इवेंट किया है इनको इनवाइट करके, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें यहाँ टोरंटो में बैठ के इतने बड़े आइकॉन्स को सुनने का मौका मिल रहा है. तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मेमन सुपर मार्केट का. बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और थैंक यू वेरी मच मेमन सुपर मार्केट. थैंक यू फॉर योर ओपिनियन. थैंक यू वेरी मच. तारुफ करवाइएगा और आपको कैसा लग रहा है कव्वाली नाइट अटेंड करते हुए? मेरा नाम है सांबल गलानी एंड कव्वाली नाइट अटेंड करने में इट्स बिन अमेजिंग. इतना अच्छा सेटअप है एंड आई एम जस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. टैग टीवी के लिए कुछ कहना पसंद करेंगी? टैग टीवी हैज़ बीन एन अमेजिंग चैनल. सारे जितने मैंने कैच करने होते हैं लाइक इवेंट्स गोइंग अराउंड हमारे कम्युनिटी के, टैग टीवी इज ऑलवेज देयर फर्स्ट. सो या इट्स गुड, डेफिनेटली वॉच इट. आई एम सो लाइक शॉक्ड दैट योर रिस्पॉन्स वॉज लाइक यू नो इट. Yeah, no, of course. Like sorry events, like every like you guys like you guys cover everything. Yeah. Thank you very no, much. No, for sure. Thank you. Ji, assalam alaikum. Wa alaikum assalam. Sabse pehle to apna taaruf karwaiye. Mera naam Fehmina Shirazi hai aur main Pickering mein koi 35 years se hu aur ye pehli baar jo hai itna acha event ho raha hai yahan pe aur मेमन मार्केट हैज बीन ट्रेमेंडस फॉर अस. के लोग सुनाए वाटरलू और मिसिसागा और कहाँ से आ रहे हैं, हम हमेशा जाते थे, इस बार हमारे पास मेहमान आ रहे हैं. तो आपको कोविड के बाद लगता है कि लाइफ जो है, जो कल्चर है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी हो रही हैं, आ रही हैं वापस? जी, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, हमारी ट्रैवल एजेंसी है और ट्रैवल को आपको पता है कि कितना अफेक्ट हुआ था. कोविड ख़त्म हुआ है, नॉट ओनली द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड गोइंग ऑन, ट्रैवल हैज स्टार्टेड, बट मैंने बल्कि सारे लोगों को खींच के लाया. मैंने कहा ज़रूर आइए, यू नो वी मस्ट हैव फन एंड यू नो लिव लाइफ अगेन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर. मेरा नाम साइमा गिलानी है और हम काफ़ी अर्से से पिकरिंग में रहते हैं और पिकरिंग इज़ एक्चुअली एक्सपेंडिंग अ लॉट एंड दिस इवेंट हियर इन पिकरिंग such wonderful event and I'm so grateful to Tag TV that you guys are here to cover it. Abu Mohammed Saab is an amazing kawal. Having him around with among us is absolutely amazing. Thank you so much for being here Tag TV and we would love to have you around more often. Thank you. What do you think about Maimon Supermarket? Do you think it's a great contribution to Desi culture, Desi Masala Jat and everything around to be very close by your home, your needs? You know what, Maimon Market is an absolutely wonderful addition for Pickering because we had been looking forward for something that has everything under one roof. And with Maimon Market around here, we don't have to rush to downtown for Iqbal Foods and stuff like that. No, Iqbal Food is wonderful. I mean, we are a fan, but having Maimon Market here is absolutely amazing. It's convenience and close by. Of course, and everything under one roof, the halal food, the halal meat, and all the Indian and Desi spices. It's absolutely amazing. Thank you very much. Thank you. जी, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए और उसके बाद आज की कव्वाली नाइट और मेमन सुपरमार्केट इसके बारे में अपनी राय दीजिए. बिल्कुल जी, मेरा नाम बुशरा साकिब है. आई एम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर इन GTA एंड आई रन फेसबुक ग्रुप विद द नेम ओजरम डिवास. और आज की कव्वाली नाइट माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज मुझे लग रही है, हमने शुरू से देखा है. और मेमन सुपरमार्केट का क्या कहना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टोर इन GTA और वी ऑल आर वर्किंग रियली हार्ड टू प्रमोट दैट और दे आर डूइंग एन अमेजिंग अमेजिंग जॉब और आपको हर चीज़ अंडर वन रूफ मिल रहा है. एंड आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑल द वे हेयर और कवरिंग द इवेंट एंड विश यू ऑल द बेस्ट. जी, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए और आज का जो इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है इतना खूबसूरत और मेमन मार्केट, इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं टैग टीवी की तरफ से मेमन सुपरमार्केट को भी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं. चूँकि कोविड के बाद ये मार्केट खुली है और इस मार्केट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारी ख़ासतौर पर साउथ एशियन कम्युनिटीज़ पर. और फिर ये आज का कव्वाली नाइट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही वाइब्रेंट फंक्शन है, वाइब्रेंट इवेंट है, वाइब्रेंट ओकेजन है. कव्वाली की पूरी टीम आज हमारे साथ मौजूद है तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा तारुफ करवाया जाए कि उनको कैसा महसूस हो रहा है आज यहाँ पे कव्वाली नाइट करते हुए. जी, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा. मेरा नाम शाब अली गुद्दीन है और मैं फरीद रियाज साहब का बेटा हूँ. अबू मोहम्मद साहब मेरे चाचा हैं, बाकी ये जितने लोग बैठे हुए ये सब हमारे भाई हैं, ये एक ही फैमिली है, एक ही घर है.
एक ही फैमिली है, एक ही हंडिया है, और यहाँ हम लोग पहले भी आ चुके हैं लॉकडाउन से पहले। बहुत इज्जत मिलती है यहाँ भी, यूएस में भी, यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, तकरीबन सब जगह बहुत मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे अपने लोग मिल जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो आपको आज तक सबसे ज़्यादा अच्छी रिस्पांस कहाँ से मिली? रिस्पांस सब जगह से मिली है, ख़ास तौर पे यूएस में, और यहाँ भी बहुत मिलती है। कनाडा में हमारे को यहाँ भी बहुत चाहने वाले हैं, वाले साहब के, चाचा के, और हम लोगों के भी, हम भाइयों के भी। इंशाल्लाह आप लोग आज सुनेंगे, आपको मज़ा आएगा, एक लुत्फ़ होता है ना वो आएगा आपको। हम सब इंतज़ार में हैं, क्योंकि बहुत से सामेईन और नाज़रीन नए हैं जिनको कव्वाली का बहुत शौक़ है। हमारी बहुत दुआएं, ढेरों दुआएं आपकी कामयाबी के लिए, और बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अपने तारुफ के साथ बताइए आपको कैसा लग रहा है देसी फूड इतना कन्वीनियंट होने का, इतना पास होने का, और आज की कव्वाली नाइट। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग ऐसे इवेंट्स कवर करते हैं, और मेमन सुपरमार्केट बहुत अच्छे लोग हैं, तो इन्होंने नमाज़ के लिए भी जगह दी थी, और ये कव्वाली नाइट इज़ रियली एक्साइटिंग। और मैं भी पिकरिंग में, कोई मैं भी सबा ट्रैवल मेरी है, तो मतलब 35 ईयर्स हो गए। तो पहले लोग कहते थे पिकरिंग इज़ अ विलेज, बट नाउ इट हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ ईस्ट। सो रियली आई वुड लाइक टू थैंक मेमन सुपरमार्केट फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस इवेंट, and people will enjoy it, inshallah. Would you like to give a few words for TAG TV? TAG TV is very good, and I'd like to congratulate you that you cover all the community events, and our full support is always going to be with TAG TV. I'm really grateful from the bottom of my heart. Thanks. sab to pehle te tusi apna taaruf deo sanu, acha ji, aur us to baad tusi apne raaye deo ke thanu aaj di night kaisa lag reha hai, aur tusi kis tarah qawwali de naal introduce hoye. Sure ji. मेरा नाम बलजीत है जी, तो मैं इतने आलमोस्ट मोर दैन 20 ईयर कैनेडा च रह रहा वहाँ। तो कव्वाली आई लिसन के लव म्यूजिक इस करके, तो मेरा बेटा इतने ब्रॉटअप होया, तो इनू भी कव्वाली अच्छी लगी, तो असी फरीद रियाज और ड्रीम जर्नी बड़ा सुनया देखा यूट्यूब पर, तो दैट्स वट आई लव्ड इट। एंड और इन्हों के सारे असं पता है कि कबीर साहब के उत्ते ज़्यादा गायक ही करते हैं कव्वाली जो भी है इन्हों की, सो वी लाइकड इट, और it's a unique message always. So you're one of the followers for his qawwalis and all that, and that's what brought you here? Brought me here, yes, sure. And then moreover, I came here, I just see this big market too. I really tell you, I loved it. So clean and nice and huge. I think no one has that big here, any Asians, like for either Indian or Pakistani grocery store. Sure. सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइए, और फिर हमें थोड़ा सा बताइए कि कव्वाली, बच्चे, कोविड, इस सब के बाद how do you feel? Feels really good, क्योंकि बहुत टाइम बाद इस तरह बाहर निकलना, इवेंट्स अटेंड करना, एंड देन कव्वाली का सवाल है तो इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, ही इज़ रियली इनटू कव्वाली। वी बीन टू इनके शोज जहाँ भी होते हैं, वी हैव टू बी देयर। सो स्पेशली ये वाला माहौल देखना, एंड देन अ सुपर मार्केट एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग इट, इट्स एक्चुअली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट बिफोर, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। Thank you very much. You're welcome. Kavali night, you're here, and Mehman Supermarket around in the corner. So two different traditions carried by a Mehman Supermarket. How do you feel about that? I mean, it feels great because Pakistan se main Abu Mohammad Farid Ayaz ki Kavali sunta aa raha hu, aur kafi time se, in fact inka Pakistan mein koi show miss nahi kiya, phir aaya hai to covid ho gaya, ab mera khayal ki first tour hai uske baad se. तो बहुत एक्साइटेड हैं, और पहली दफ़ा हम यहाँ हैं स्पेशली सुपरमार्केट में, इट फील्स ग्रेट, इट फील्स लाइक कोई हमारे पाकिस्तानी सुपरमार्केट फाइनली बनी है अब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो आफ्टर ओपनिंग दिस प्रोजेक्ट एंड हैंडलिंग ऑल दिस, हाउ प्राउड डू यू फील? आई एम प्राउड, इट इज़ माई प्रोजेक्ट, एंड सीइंग दिस एज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज वेरी गुड फॉर मी. Very satisfying, basically. So you are bringing two South Asian traditions here. All the food. Food is coming. We have services. Plus we have all the food from not only from South Asia, Pakistan, India, Bangladesh, from the Far East also. So we have everything available.
and we are trying to accommodate everything which customers are asking for. और ये जो कवाली नाइट है ये हमारी बड़ी ट्रेडिशनल रवायती है, तो ये आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप यहाँ पे ये रवायत कायम करने वाले पाइनियर्स में से हो गए हैं? Basically what we were thinking is since कवाली is a वैसा वाला आर्ट है ना कि वो जो हमारी जनरेशन थी वो तो they are into it and they know, but for young generation, our second generation, we want them also to enjoy our tradition, to be over here and know what are our traditions. Thank you very much. Wish you bundle of success. Thank you very much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपने दुनिया भर में कवाली की और अब आप यहाँ तशरीफ लाए हैं. जी बिल्कुल. और यहाँ पे कवाली की रवायत मेमन्स ने डाली है, मेमन सुपरमार्केट वालों ने इस इलाके में. मैं ओंटारियो की बात नहीं करती, इस इलाके. अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया. हाँ जी. तो आप प्लीज़ ये हमें बताइए, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज आप एक थोड़ी सी मुख्तलिफ ऑडियंस के साथ डील कर रहे हैं. मुख्तलिफ ऑडियंस तो नहीं है, ये सारे हमारे फॉलोअर्स हैं. ये है कि एक नई जगह के अंदर कवाली हो रही है और नो डाउट ये मेमन सुपरमार्केट वालों ने जो ये बुनियाद डाली है ये बहुत बड़ी बात है. कवाली नो डाउट इस वक्त बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है, मगर इस इलाके के अंदर जो इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया है ये कवाली के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है. और ज़िंदगी बखैर हम नहीं आएंगे, अगले आएंगे, कोई ना कोई अब कवाली यहाँ पर इस एरिया में कवाल आते रहेंगे. तो ये एक रवायत कायम की जा रही है यहाँ पे. जी बिल्कुल. तो आप अपनी सकाफत को लेके चलते हैं दुनिया भर में, आपको आज तक किस जगह पे सबसे अच्छी ऑडियंस मिली और आपको खुद भी बहुत मज़ा आया? देखें एक हकीकत अगर मैं आपको बयान करूँ कि दुनिया भर में शायद मैं कोई 70 मुल्क गया हूँ, पता नहीं 80 मुल्क गया हूँ, याद भी नहीं है. ट्रैवलिंग के तकरीबन 40 साल हो गए. ताल्लुक हमारा दिल्ली से है और आज भी अच्छी ऑडियंस हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में मिलती है. मैं पिछले साल इसी साल शुरू में वहाँ गई और मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं उनके दरबार पे हाजिरी के लिए गई और मैंने लाइव कवाली को देखा. तो आप क्या समझते हैं कि इस कल्चर को ज़िंदा रखने में दिल्ली इस वक्त बहुत काम कर रहा है, किस जगह पे बहुत काम हो रहा है कवाली कल्चर के लिए? काम तो पाकिस्तान में हो रहा है, कवाली को ज़िंदा रखने का काम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है. नो डाउट इंडिया में कुछ जगहों पर मज़ारात में इसको जो है लाइव रखा हुआ है, मगर कव्वाली में अगर इस वक्त आप बात करेंगे तो पाकिस्तान उसमें कराची और पंजाब में जब अतराफ के जो लोग हैं वहाँ पर कव्वाली बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है और अच्छी पढ़ी जा रही है, ख़राब भी पढ़ी जा रही है. जो लोग उसको कुछ और शक्ल दे देते हैं जिसको हम कव्वाली नहीं मानते, मगर अच्छी कव्वाली पाकिस्तान में हो रही है. फ़न और फनकार को ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल है और आज के दौर में कवाली ख़ास तौर पे उन फ़नून में से आती है जो बहुत चैलेंज से गुजर रहे हैं. आपकी इसके बारे में क्या राय है? चैलेंज से गुजर रहे थे, अब नहीं गुजर रहे. अब कवाली को प्लेटफॉर्म मिल गया है. अगर आप कहीं भी देखेंगे हर जो गज़ल वाला है वो सूफ़ी म्यूज़िक कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंटल है वो सूफ़ी म्यूज़िक कर रहा है, कोई क्लासिकल है वो सूफ़ी म्यूज़िक कर रहा है, तो हम तो उसकी बुनियाद हैं. एक वक्त नशीब व फराज आए मगर अब कवाली को प्लेटफॉर्म मिल चुका है. ओवर द वर्ल्ड कवाली जो है बहुत सुनी जा रही है और पाकिस्तानी कवाली सुनी जा रही है. पाकिस्तानी मैं इसलिए कहूँगा कि जितने भी लोग इस वक्त नोन हैं वो पाकिस्तान से हैं. तो क्या आप समझते हैं कि अभी भी वहाँ पे घराने मौजूद हैं, उस्ताद मयस्सर हैं लोगों को इस फील्ड में आने के लिए? जी बिल्कुल, लोग आ रहे हैं, अब से मुस्तफीज़ होते हैं. और जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर देखते हैं कि इसको ज़रूरत है इसकी नोक पलक सही करने की, हम उसको सिखाते हैं. इस तरह सैकड़ों लोग हैं जो इस खिदमत के अंदर मौजूद हैं, जो खिदमत भी कर रहे हैं और अपना पेट भी पाल रहे हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका मैंने टाइम लिया लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत खुशी हुई कि आपको अपने फ़न से बहुत मोहब्बत है. थैंक यू वेरी मच. फ़न से मोहब्बत इसलिए है कि जो कुछ दिया है इस फ़न ने दिया है. मेरे पास कव्वाली 750 साल से हो रही है. जो मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ज़िक्र किया,
तो मोहब्बत तो होनी चाहिए, मोहब्बत करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। आज के हमारे जो कव्वाल हैं उनकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना तारुफ करवाएं। जी आप प्लीज़ अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम सबीहा है, मेरे हस्बैंड फरीद अयाज और अबू मोहम्मद इनकी वाइफ आसिया है, अबू मोहम्मद हस्बैंड का नाम है। तो आप के हस्बैंड यहाँ करते रहते हैं कव्वाली, आपको कैसा महसूस हो रहा है कनाडा में ये पूरा माहौल देख के और इस परफॉर्मेंस के साथ? ये बहुत अच्छा लग रहा है और कई दफ़ा आ चुके हैं ये लोग, आते रहते हैं माशाल्लाह कनाडा अमेरिका ये सारी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, कहना चाहिए पूरी दुनिया में घूमते हैं और सारी दुनिया को ही पसंद है, हमें तो ज़्यादा ही पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको लगता नहीं कि जो टोरंटो के लोग हैं बहुत जिंदा दिलान हैं और ओंटारियो के लोग इस सब चीज़ों की बहुत पज़ीराई करते हैं? बहुत ज़्यादा जी जी, कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगी किस बारे में, कव्वाली के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी बस यही पैगाम है हमारी तरफ से कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें क्या सबको पसंद आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब हमारे मालिक का करम है, कोई स्टेबल नहीं, आज ही बहुत है और आज ही अल्लाह को बहुत पसंद है। बेशक बेशक, सारी दुनिया माशाल्लाह घूमते हैं, पाकिस्तान से लेके हर जगह अल्लाह बड़ी इज्जत दिया है, बड़ा करम अल्लाह का एहसान, और हम तो घूमने आते हैं। बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे और लोगों को सुनने का मौका मिलता रहे। थैंक यू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, समझने वालों को मेरा सलाम और मेरे ग्रुप का सलाम। आज हम यहाँ पर मेमन शॉपिंग सेंटर में यहाँ पर आज आए हुए हैं, आते ही मुझ पर एक बड़ा पॉजिटिव मुझे एहसास हुआ कि जैसा इन लोगों ने इसको सजाया है और यहाँ पर कव्वाली नाइट रखी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक बड़ा मोतबर इदारा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सेटिंग है मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर तकरीबन सारे लोग समझदार संजीदा सुनने के लिए आ रहे हैं, उसमें यूथ भी है आपकी और मेरी उम्र के नौजवान भी हैं, तो आई एम 72 और आपका ताल्लुक? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, और जहाँ तक बैकग्राउंड का ताल्लुक है मैं और मेरे आबा व अजदाद मतलब फादर फोर फादर एंड हम लोग गुज़श्ता 750 साल से फन कव्वाली से वाबस्ता हैं। हमारे जो जद्द आला थे हज़रत अमीर खुसरो के दौर में, उनका नाम मियाँ सामत बिन इब्राहिम था, जो तारीख़ में कव्वाल बच्चों के नाम से मशहूर हैं। हमारा ये घराना, मेरी ये फैमिली, इसमें सारे के सारे मेरे घर के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे भाई हैं, और हम जब से लेकर अब तक कव्वाली की खिदमत और सकाफ़त की खिदमत में लगे हुए हैं, या ये कहिए कि सकाफ़त और कव्वाली ने हमको खिदमत में लगाया हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर आज या आज की महफिल इंशाल्लाह ताला आप लोग बड़े मुस्तफीद होंगे, महसूस होंगे, मेरी पूरी कोशिश होगी और मेरी तरफ से आप लोगों को तमाम लोगों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम।